नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, सोमवार का दिन है। जानेंगे कि आज कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा खुलने वाला है और नॉन एग्री कम्युनिटीज कैसी कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे सीड का नवंबर वायदा इस वक्त 6582 पर कारोबार कर रहा है, 6634 का हाई लगा चुका है। रूपा जी देख रहे हैं कि 6600 के लेवल के बाद अब कैसे सीड एक बार फिर से 6500 के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कैसे सीड आगे जाके कहाँ तक रुक पाएगा और कहाँ तक जा पाएगा? देखिए, अभी सुस्त हो चुका है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि 6600 से ऊपर निकला, लेकिन वहां के बाद जो है वो तेजी नहीं पकड़ा है। और आज जो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जब बाजारों की शुरुआत हुई है, वो दबाव के साथ होती हुई दिखाई दी है, जिसके चलते कैसे सीड नीचे में आज 6500 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इसी रेंज में घूम सकता है, 6500 से लेकर ऊपर में 6600-6650 की रेंज देखने को मिल सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, डिप पर बाय करना चाहिए। मुझे लगता है 6500 के नीचे स्लिप करते हैं तो वहां पर बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। अभी थोड़ा सा सुस्ती का मोड रहेगा, इस हफ्ते कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीक में एक तेजी का दौर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये रूपा जी नजर डाले अगर बिनौला खल की कीमतों की तरफ, तो देखने की बिनौला खल का दिसंबर वायदा 2592 पर कारोबार कर रहा है, 2600 के ऊपर का हाई लगा चुका है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, आपका जो लेवल अचीव हुआ है 2600 का, और अभी भी देख रहे हैं कि 2600 से सिर्फ 8 पॉइंट की दूरी पर है बिनौला खल, ऐसे में क्या बिनौला खल में इस कारोबारी सप्ताह 2700 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, इस हफ्ते तो अखिलेश मुश्किल है कि लेवल्स एक्सपेक्ट देखने को मिले, लेकिन हाँ, उम्मीद करके चल सकते हैं कि अगले हफ्ते में आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। जी, ईश्वर जी बात करें अगर मसाले की, तो देख रहे हैं कि धनी का नवंबर वायदा आज भी 8150 पर 8000 के ऊपर है, 8198 का हाई लग चुका है। और जीरे में भी देख रहे हैं कि फिर से एक बार 15000 के लेवल्स देखने को मिले हैं, और हल्दी भी ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। रूपा जी, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मसालों में जो तेजी निकली है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये अच्छे संकेत है कि मसालों में अब यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड है, या फिर मसालों में ऐसा ही चलता रहेगा कि कुछ ट्रेडिंग सेशंस में तेजी तो कुछ में मंदी? देखिए, अभी फिलहाल त्योहारी सीजन के चलते थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे धनिया को छोड़कर जीरे और हल्दी में बहुत ज्यादा तेजी नहीं लगती है। धनिया का थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि एक अच्छी खासी डिमांड जो है वो निचले स्तरों पर निकलती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा गिरावट भी एक्सपेक्टेड नहीं है मसालों के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि त्योहारी सीजन के चलते छुटमुट खरीदारी आ सकती है। अभी फिलहाल लंबी बाइंग बनाने के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि करेक्शन आगे त्योहारी सीजन के बाद बनती हुई दिखाई दे सकती है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो हल्दी जो है 75-750 तक ऊपर जा सकती है, जीरा 15400 तक एक अपसाइड पकड़ सकता है। वहीं धनिया की बात करें तो 82-8200 तक हाल फिलहाल में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, ये सर ऊपर जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देखने की ग्वार गम आज भी 13000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, और ग्वार सीड भी 7000 के ऊपर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है, ये एक अच्छा संकेत है तेजी का, या फिर ये ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली में भी तब्दील हो सकता है? देखिए, ग्वार में तेजी है अखिलेश, ग्वार में तेजी का ही रुझान बना रहेगा। ये हफ्ता सभी एग्री कमोडिटीज और नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए सुस्ती वाला रह सकता है, क्योंकि इस हफ्ते में दीपावली है और छुट्टियों का माहौल रहेगा मंडियों के अंदर भी, और इसकी वजह से बाजारों में कोई बहुत ज्यादा भी फिलहाल मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए ग्वार फंडामेंटली अब काफी डिमांड जो है इसकी पिकअप होती हुई नजर आ रही है। अभी आज जरूर प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसके चलते 12000-12500 तक नीचे लुढ़क भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि अब छुट्टियों के माहौल के चलते हो सकता है वेडनेसडे तक आपको करेक्शन ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे, पोजिशनें स्केयर ऑफ होती हुई दिखाई दे, जिसकी वजह से दबाव बढ़ सकता है। लेकिन जब छुट्टियों के बाद फिर से मार्केट ओपन होंगे, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से तेजी की तरफ मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वहीं 15000 तक ग्वार गम और ग्वार सीड जो है वो भी 7200-7300 तक ऊपर जा सकती है। जी, जैसे रूपा जी देख रहे हैं कि सोयाबीन भी ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार कर रही है, 5500 के करीब जाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में अचानक से उछाल अभी देखने को मिल सकता है?
ज्यादा तेजी तो नहीं है। हाँ 56-550 तक आप मान के चलिए कि सोयाबीन तेजी दिखा सकता है। वहीं सरसों और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो उसके अंदर भी छुटपुट खरीदारी जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि हाजिर मंडियों में फिलहाल प्राइसेस तेज है और इन कीमतों के ऊपर माल नहीं निकल रहा है। स्टॉकिस्ट ने स्टॉक किया हुआ है, फार्मर्स ने भी अपने पास माल रोक रखा है, क्योंकि प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं तो इन लेवल्स के ऊपर बिकवाल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा बहुत अगर बिकवाली आ भी रही है तो उसमें खरीदारी भी जमकर देखने को मिल रही है कि इस उम्मीद के साथ कि वापस से सोयाबीन 8000 हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई भी सिनेरियो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि त्यौहारी सीजन के बाद सोयाबीन 5000 के नीचे लुढ़क सकता है। फिलहाल के लिए 55-5600 के टारगेट सोयाबीन में लेकर चला जा सकता है। जी, बात करें अगर कॉटन की तो कॉटन में देख रहे हैं कि जो डिमांड है एक्सपोर्ट डिमांड और जो स्पिनिंग मिलों की तरफ से डिमांड निकल के सामने आ रही है उसमें लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है और हाजिर की जो कीमतें हैं उनमें भी लगातार उछाल ही देखने को मिल रहा है। कपास कारोबारियों को, कपास किसानों को प्राइवेट बोली पर काफ़ी बेहतर दाम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं पहले के मुकाबले। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कपास एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तर दिखला सकती है? में बिल्कुल तेजी की उम्मीद है और अब कपास अभी यहाँ से तेज हो सकती है। अगर मैं वायदा की बात करी तो NCDX पर 1900 और MCX पर बात करें तो 33,000-33,500 के ऊपर निकल सकता है मार्केट। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक घरेलू बाजारों में भी मुझे लगता है कि हाजिर बाजारों के अंदर 10,000-10,500 तक का स्तर एक्सपेक्टेड है और वो हो सकता है कि आपको दिवाली के बाद वो लेवल्स देखने को मिले। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, फसल काफी डैमेज है तो इसके चलते कीमतों में तेजी बन सकती है। जी जी, बात करें अगर दलहन बाजार की तो दलहन बाजार देख रहे हैं कि इस दिवाली काफी ज्यादा सुस्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चना हो चाहे कोई सी भी दाल हो, पहले के मुकाबले अगर पिछले महीने की कीमतें उठाई जाएं और इस महीने की कीमतें पर नजर डालें नवंबर, पहले नवंबर की, तो कीमतों में कुछ हल्की नरमी देखने को मिली है। और जहां तक हमारी बात है तो हमने जिन जिन व्यापारियों से, ट्रेडर से, किसानों से बात करी है मार्केट MCV ने, उनका यही कहना है कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अब जितने भी ट्रेडर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, चाहे किसानी क्यों ना हो, अब उनमें एक डर का माहौल पैदा हो गया है कि कहीं अगर वो इसमें दाव लगाते हैं या फसल की बुआई भी करते हैं तो कहीं सरकार कोई ऐसा फैसला ना ले ले जिसकी वजह से उनको नुकसान हो। तो आपको क्या लगता है, क्या दिवाली के बाद भी दलहन बाजार में ऐसी ही सुस्ती का माहौल देखने को मिलता रहेगा? देखिए फिलहाल दलहन बाजार में तेजी का रुझान जो है वो कम हो चुका है। अब कीमतें जो है वो एक सीमित दायरे में कह सकते हैं कि देखने को मिलेंगी, क्योंकि सरकार ने काफी एक्शन उठाया है, कदम उठाए हैं जिसके चलते कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। जिस तरीके से चने की कीमतें बढ़ती नजर आ रही थी और चना वायदा पर भी रोक लगा दी गई है, तो ये सारे जो है स्टेप उठाए गए हैं ताकि दालों की कीमतें, क्योंकि वो जरूरी चीजें हैं, असेंशियल हैं, इस वजह से उनकी कीमतें ज्यादा ऊपर ना जाएं और आम जन को परेशानी ना हो, इसके चलते सरकार ने ये कदम उठाए हैं और उसकी वजह से दालों की कीमतें जो है अपनी कंट्रोल में भी आती दिखाई दी हैं। और जहां तक क्रॉप की बात है, बिल्कुल इस पर इसका हो सकता है आने वाले टाइम में सोइंग के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे और सोइंग कम हो, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से एग्री कम्युनिटीज के टॉपिक्स क्या रहेंगे आज के लिए जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर, इस हफ्ते तो कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, अगर इस हफ्ते की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जो छुटमुट बिकवाली आ रही है उस बिकवाली के अंदर ग्वार में खरीदारी की जा सकती है और इसके साथ साथ मुझे लगता है बिनोला खल और कपास इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, इस कमोडिटी के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चलना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट, आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट MCV पर।